एक हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, वो बुढ़े हो गए काफ़ी, तो बच्चों की सारी शादियां हो चुकी हैं, लाहौर में रहते हैं वो। तो एक दिन मुझे रो के कहने लगे कि आप कभी बयान में ये भी कहिए क्या। मैंने कहा जी क्या। कहने लगे सारे की गल्ला कर दो, कभी शादी भी कर दो। मैंने कहा जी कर देंगे आपकी, आप बताइए क्या। कहते हैं देखिए अब हम घर में अकेले हैं। मैंने कहा वो क्या। उन्होंने मुझे एक शेर पढ़ के सुनाया, लेकिन जब मैंने वो सुना यार वो भी रो पड़े, मैं भी रो पड़ा। अब वो शेर सुनिएगा। वो कहने लगे कि पुत्र ले गए नोआ, पुत्र ले गए नोआ, तिया ले गए होर, माई बाबा इन्हें बैठे जिमें बैठे चोर। वो जब बात की आप यकीन करे रोड़ा। और कहते यार कलां कल्ले बैठे हैं, तनहाई खा गई, ना तीए ना पुत्र, पुत्र आप अलहदा हो गए और तियाँ अपने घर चलिया गई। साडा भी कोई राह है, साडा भी कोई यार है, साडा भी कोई सज्जन है। तो ये बात मुझे खा गई। मेरा सिर्फ आपसे एक ही मोहब्बत का पैगाम है, अगर जिन्हें दी मामा जिंदा ने यार मामा को बैठा करो, उन्हें दर्द सुनया करो। जिन्हें बाप जिंदा ने अब्बे को बह के वालद को बह के वो गल सुनया करो। एक बारी प्यार नाल उन्हें जफ़ी पा के अब्बा जी थोड़ा बेटा पिछलियाँ माफ़ी, कोई दिल की गल कह नहीं, नहीं तो आप जानते नहीं है, खुदा की कसम आपको मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, फिर आपको उस दिन पता लगेगा कि मेरी माँ थी और मेरा बाप था। तो अपने घर को जिंदगी में कब्रिस्तान ना बनाओ, तो उनकी तन्हाई का इजाला करो। माँ बाप बड़ी दौलत है, ये बड़े प्यार दी जगह है। अल्लाह ताला साढ़े सारे ते रहमत फरमाए। तो माँ बेचारी इंतजार कर दी है, जिंदगी भी इंतजार ही कर दी होंगी, ओ मेरा पुत्र नहीं आया, सारी जिंदगी बच्चे का इंतजार करती रही, अज बेचारी कब्र विच भी कहती हाय मेरा पुत्र मैनू मिलन नहीं आया। जाया करो यार माँ बाप के।